और बड़ी खबर काबुल से इस वक्त मिल रही है। काबुल में पाकिस्तान एम्बेसी के बाद फायरिंग हुई है। अहम खबर, प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए तालिबानी लड़ाकों ने फायरिंग की। बता दें आपको, पाकिस्तान के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे थे लोग, तालिबानी लड़ाकों ने भीड़ को भगाने के लिए ये फायरिंग की है। तो यहाँ पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, पाकिस्तान का तालिबान को साथ देने के चलते ये पूरा विरोध किया जा रहा था, प्रदर्शन किया जा रहा था, और इस भीड़ को तितर बितर करने के लिए ही तालिबानियों ने ये फायरिंग की। तो बड़ी खबर इस वक्त की और उससे जुड़ी हुई तस्वीर भी आपको बता रहे हैं। अफगानियों में पाकिस्तान को लेकर के खासी नाराजगी दिखाई दे रही है, खासकर के पंजशीर में जिस तरह से पाकिस्तान ने तालिबान का साथ दिया है उसके बाद विरोध प्रदर्शन हो रहा था, किस तरह से तालिबानी लड़ाके यहां पर फायरिंग करते दिखाई दे रहे हैं। आवाज स्पष्ट तौर पर आपको सुनाई दे रही होगी फायरिंग की इन तस्वीरों में। इसके अलावा भारी संख्या में जो लोग पहुंचे हुए थे उन्हें वहां से तितर बितर करने के लिए, स्थिति कंट्रोल में रखने के लिए ये फायरिंग की गई है। तो इन तस्वीरों में आप साफ तौर से अंधाधुंध हुई इस फायरिंग की आवाजों को सुन सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों के बीच पनपे इस गुस्से को और इस आक्रोश को देखते हुए तालिबानी कितना बौखला गए हैं। और उसी बौखलाहट में दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसमें आप देख रहे हैं पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर बड़ी संख्या में ये प्रदर्शनकारी मौजूद है और किस तरह से इन्हें वहां से हटाने के लिए, तितर बितर करने के लिए किस तरह से यहाँ फायरिंग की गई है। तो पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश लोगों का साफ तौर पर एक टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर आक्रोश लोगों का बाहर निकल रहा है और पाकिस्तान एम्बेसी के खिलाफ जो है यहाँ पर फायरिंग हुई है। तालिबानी लड़ाकों की फायरिंग से अफरा तफरी का माहौल दिखाई दिया। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने बाद में गैराज में छिप करके अपनी जान बचाई। पहली तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं वो एक अफगानी महिला गैराज के अंदर वीडियो बना रही है, उसी की है। बड़ी संख्या में महिलाएं भी प्रदर्शन में शामिल थी। बाद में जब गोलीबारी शुरू हुई, फायरिंग करना शुरू किया तालिबान के लड़ाकों ने, तो एक गैराज में इन महिलाओं ने शरण ली, वहां छुपी और अपनी जान बचाई। तो पंजशीर पर जीत का दावा करने वाले तालिबान को बीती रात जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा है। एंटी तालिबान फ्रंट के समर्थन में तालिबानी लड़ाकों पर अज्ञात फाइटर जेट्स ने जमकर बम बरसाए और इसमें सैकड़ों तालिबानियों के मारे जाने की खबर भी मिल रही है। अब हालांकि ये साफ नहीं हुआ है कि अज्ञात फाइटर जेट्स आखिर आए कहां से थे। जीत के जश्न में डूबा था तालिबान। हवाई हमलों से बना कब्रिस्तान। मसूद के लड़ाकों ने दिखाई झांकी। पंजशीर में पिक्चर अभी बाकी। बीते दिनों तालिबान ने पंजशीर के गवर्नर हाउस पर अपना झंडा फहराकर ये साबित करने की कोशिश की कि उसने अपने विरोधियों को धूल चटाकर अजेय माने जाने वाले पंजशीर के किले को भेद दिया। तालिबानी लड़ाके पंजशीर पर जीत के जश्न में डूबे थे, इस बात से बेखबर कि उन पर पलटवार होने वाला है। जिस मसूद और अमरुल्ला साले की सेना को वो हारा हुआ मान बैठे थे, वो जोरदार हमला करने वाली है। बीती रात पंजशीर में तालिबान के ठिकानों पर जोरदार हवाई हमले हुए। अफगानिस्तान की स्थानीय मीडिया और पत्रकारों ने देर रात जानकारी दी कि तालिबान के ठिकानों पर पंजशीर में भीषण हमला हुआ है। अज्ञात लड़ाकू विमानों ने यह हमला किया और तालिबानी ठिकानों पर जमकर बम बरसाए। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस हमले में बड़ी संख्या में तालिबानी आतंकियों की मौत हो गई है। सूत्रों के मुताबिक अज्ञात विमानों ने तालिबान के ठिकानों पर हमला किया और वापस भागकर रेजिस्टेंस फोर्सेस वाले इलाके में चले गए। अब सवाल उठ रहा है कि तालिबान को मुंहतोड़ जवाब आखिर दिया किसने। जो कयास लगाए जा रहे हैं उनमें तालिबान पर हवाई हमला करने वालों में ताजिकिस्तान का नाम सबसे ऊपर आ रहा है, क्योंकि अहमद मसूद के ताजिकिस्तान में ही होने का दावा किया जा रहा है। ताजिकिस्तान समय समय पर नॉर्दर्न अलायंस और तालिबानी विरोधी गुटों का साथ देता आया है। यही वजह है कि तालिबान पर हुए इस अज्ञात हमले को लेकर नजरें उसी की तरफ उठ रही हैं।
अहमद मसूद समर्थक पंजशीर के उप गवर्नर कबीर वासिक ने भी दावा किया है कि पंजशीर और अंद्राब में भीषण लड़ाई चल रही है। मसूद के नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के हमले में तालिबान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। वासिक ने कहा कि पंजशीर पर जीत का तालिबानी दावा फर्जी है। तालिबान विरोधी गुट के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट कर कहा गया है कि NRF के सुरक्षा बल घाटी की सभी रणनीतिक जगहों पर अभी भी मौजूद हैं और लड़ाई जारी रखे हुए हैं। उन्होंने अफगानिस्तान के लोगों को भरोसा दिलाया है कि तालिबान और उनके साझेदारों के खिलाफ संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक कि न्याय और स्वतंत्रता की जीत नहीं हो जाती। जाहिर है कि पंजशीर को लेकर तालिबान के अपने दावे हैं और विरोधी गुट के अपने। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि किसके दावों में सच्चाई है और किसके दावे फर्जी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।